नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर के बिकरू गांव में बीती 2 जुलाई की रात में हुई 8 पुलिस कर्मियों की हत्या मामले में आज एसटीएफ उत्तर प्रदेश द्वारा कानपुर में एक और खुलासा किया गया। इस घटना में मृतक अभियुक्त विकास दुबे व उसके साथियों को घटना के बाद में शरण देने वाले, उनको फरार कराने वाले, उनके असलहा व कारतूस को क्रय विक्रय करने वाले व पास में रखने वाले 7 अभियुक्तों को मई असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एसटीएफ ने 1 सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 9mm अवैध कार्बाइन, 1 अवैध रिवॉल्वर, 1 अवैध SBL बंदूक, 12 बोर 2 अवैध तमंचा 315 बोर का, 42 अदद 30.6 बोर राइफल के जिंदा कारतूस, 40 अदद 32 बोर रिवॉल्वर के जिंदा कारतूस, 2 AK-47 के राइफल के जिंदा कारतूस, 4 कारतूस 32 बोर पिस्टल के जिंदा सहित कई कारतूस बरामद किए गए। साथ ही विकास दुबे का एप्पल आईफोन, अमर दुबे का फोन, प्रभात मिश्रा का फोन, 1 ओपनी कार व 2,05,000 रुपए बरामद किया गया। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता भूपेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट।